video session of your class 6 science chapter number 10, which is motion and measurement of distances. Right, in previous video we have seen about or we have got the idea about the motion. Right, we have seen the introduction about motion and we have seen about the study of transportation, or we have seen the history of transportation, how the transportation is beginning. Today we will start our next topic or our next part of this chapter, which is measurement. Right? So we will see today, in today's lecture, we will see some non-standard units of measurement. Right? So let's start our lecture. First of all, we will discuss about non-standard units of measurement. Now, what do you mean by non-standard units of measurement? आपको क्या लगता है? Non-standard units of measurement means क्या? यहाँ पे the word itself suggests the non-standard. Non-standard means कौन की उसका standard नहीं है, right? कि आप जो भी measurement करते हो, किसी भी unit में आप measure करते हो, non-standard है. Non-standard means क्या? कि यहाँ पे आप राजकोट में कुछ measure करोगे तो वो different होगा. या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो वो भी वहां पे डिफर होगा, या फिर राजकोट में ही राजकोट में आपका मेजरमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा. राइट, तो वी विल सी दिस नॉन स्टैंडर्ड कांसेप्ट टुडे. राइट, अभी आपको थोड़ा आइडिया मे भी आ गया होगा कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में करना क्या है. टुडे वी विल सी सम मेथड्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. फर्स्ट, If I ask you how wide is this desk, अभी मैं आपको पूछूं कि चलो मुझे ये टेबल है तो कितना वाइड है मुझे बताइए. सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में हम क्या करते हैं, इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट अक्सर हम क्या करते हैं, वी यूज अवर हैंड और वी यूज अवर फीट और वी यूज अवर एल्बो, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, और वी यूज सम अनदर इंस्ट्रूमेंट. सपोज चलो आप ही से क्लास में कोई बच्चा है तो जिसको गिल्ली डंडा खेलना बहुत ही पसंद है, तो हम क्या करते हैं, गिली डंडा को लेते हैं. राइट, कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि गिली डंडा को लिया. गिली डंडा मीन्स आप फाइंडिंग से मालूम होगा गिली डंडा किसे बोलते हैं, कि ये कुछ कुछ ये उसका डंडा रहता है और ये कुछ उसका गिली रहता है. गिली ऐसी होता है उसका डंडा रहता है कुछ ऐसे, तो हम क्या करते हैं गिली और डंडा. तो सपोज मैंने यहाँ से अभी गिली डंडा लिया और मैंने उस गिली डंडे को यहाँ पे पुट किया इस टेबल की वाइड मींस के टेबल कितना ब्रेथ टू उसकी साइज के कितना वाइड है. राइट, उसको हमको क्या करना है, उसकी ब्रीथ फाइंड आउट करनी है यहां से लेके यहां. तो मैंने क्या किया, ये गिली डंडा को यहां पर पुट किया, एक गिली और एक डंडा, और फिर बाद में एक गिली और एक डंडा. तो इसका मेजरमेंट क्या हुआ कि दो गिली और दो डंडा हुआ. राइट, तो ये क्या हुआ कि आपने किसी भी मार्केट में से किसी भी गिली डंडा को ऐसे उठा लिया, उसका मेजरमेंट कर दिया, ये स्टैंडर्ड नहीं है. राइट, अभी आप जो गिली डंडा यूज करते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड भी यही गिली डंडा यूज करता हो. मैं भी चलो मान लीजिए जो आपका फ्रेंड है तो उसने क्या किया कि ये जो आपकी साइज थी, राइट, ये आपकी साइज और आपके फ्रेंड की जो साइज थी डंडे की वो इतनी बड़ी हुई और गिली की इतनी बड़ी हुई, तो उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एक डंडा और दो गिली, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. तो इसमें क्या हुआ कि कुछ स्टैंडर्ड नहीं हुआ, मींस ये नॉन स्टैंडर्ड है. ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, मींस अभी आपके क्लास में कोई बच्चे के पास बड़ा डंडा हो, किसी के पास बहुत ही छोटा हो, राइट, किसी के बहुत ही बड़ा हो, तो अगर वो आप डंडे से मेजर करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये जो हुआ ये नॉन स्टैंडर्ड मींस उसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, मींस फिक्स नहीं है कि आप जो मेजर करते हो वो सही है, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सेम रहेगा. ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप जो भी गिली डंडा लो वो सारे के सारे एक साइज के हो. या फिर हम दूसरी बात करें तो जो आपकी क्या बोलते हो आप अपने जो आपने मम्मी के पास जो हम क्या बोलते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो हैंड स्पान का लेते हैं. राइट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैंड स्पान. द हैंड स्पान मींस का मींस क्या कि ये आपकी जो फिंगर थंब का डिस्टेंस, राइट, आई एम शो यू, ये यहां से आपने मेजर किया, ये रहा आपका थंब और ये रहा आपका फिंगर. तो ये जो डिफरेंट डिस्टेंस हुआ ये आपकी फिंगर से लेके थंब सर, इतना डिस्टेंस हुआ ये आपकी फिंगर से लेके थंब सर का, इसको क्या बोलते हैं,
एंड स्पॉन बोल रहे हैं आई विल शो यू लुक एट दिस मैं यहां पे पॉइंट करूंगा राइट फॉर वन मिनट मैं यहां पे पॉइंट करूंगा आपको देखना है ये देखिए ये मेरा हैंड स्पॉन है सर हैंड स्पॉन इसके यहां पे देखिए मेरा फिंगर लगा है और यहां पे इतना थंबा तो इतना कुछ डिस्टेंस हुआ राइट ये मेरा फिंगर और ये मेरा थंब ऐसे मैंने यहां पे पुट किया तो कुछ इतना डिस्टेंस हुआ राइट दिस काइंड ऑफ थिंग राइट इतना डिस्टेंस मैंने मेजर किया तो इतना जो मेरा है ये फिंगर से लेके थंब तक मेरे यहां पे मेरा थंब रखा और यहां पे फिंगर रखा तो जैसे-जैसे मैं मेजर करता हूं मेरा डिस्टेंस क्या आता है 2.5 हैंड स्पान उसका डिस्टेंस हुआ राइट हैंड स्पान मींस क्या बोलते हैं मैं रिपीट हूं हैंड स्पान मींस ये आपके थंब से लेके आपकी फिंगर तक का डिस्टेंस ये आपकी फिंगर है और ये आपका थंब है थंब से लेके फिंगर तक का डिस्टेंस आपको रखना है लाइक दिस राइट आप ऐसे रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मैंने यहाँ पे रखा है तो मेरा आंसर क्या है 2.5 हैंड स्पान तो ऑब्वियसली है सर अभी मैं आपको इसी बेस के बारे में पूछूं कि बेटा आप लोग आओ इस बेस का मेजरमेंट करो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड स्पान राइट तो जैसे कि आपको पता है अभी आप 6 स्टैंडर्ड में था छोटे छोटे बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे तो आपका जो हैंड होगा वो भी कितना होगा छोटा छोटा होगा राइट आपका हैंड भी जो होगा वो छोटा छोटा होगा मींस आप जो भी मेजरमेंट लिया होगा तो आपका हैंड स्पान शायद इतना हो राइट मेरे से शायद आधा हो सकता है या फिर थोड़ा आधे से ज्यादा थोड़े से आधे से ज्यादा हो सकता है तो वो भी क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन वाइज डिफरेंट हुआ मेरा हैंड स्पान बड़ा हुआ आपका हैंड स्पान छोटा हुआ तो आप तो ये तो नहीं कह सकते सर मैंने मेजरमेंट किया तो आप मेरे साथ फिर क्या बोलोगे सर आर्गुमेंट करोगे यस सर तो मैंने जो डेस्क का मेजर सर आपने जो डेस्क का मेजरमेंट बताया वो तो 2.5 बताया बिकॉज मैंने क्या बताया मेरे हिसाब से मेरा हैंड स्पान कितना हुआ 2.5 जितना है इसमें मैं यहाँ तक बट मैं आपको पूछूंगा और आप उसके मेजरमेंट करोगे तो बोलोगे सर मेरा हैंड स्पान आया 4 हैंड स्पान तो ये तो फिर गलत हो गया ना मैंने मेजर किया 2.5 और आपने अपने हैंड स्पान से किया तो क्या आया 4 आया तो ये क्या हुआ कि गलत आ गया मींस थ्रू आउट द वर्ल्ड और थ्रू आउट द सिटी बोल सकते हो थ्रू आउट द पर्सन ये जो मेजरमेंट है वो सेम नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मींस उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है इट्स फिक्स नहीं है दैट स्टैंडर्ड इट्स फिक्स नहीं है मेरा हैंड स्पान बड़ा है आपका छोटा है आपके पापा का भी बड़ा होगा आपके जो नानी का उसका भी थोड़ा बड़ा होगा राइट तो ये जो हैंड स्पान है वो क्या है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ठीक है पर्सन टू पर्सन क्या करेगा वेरी करेगा मींस आपका जो लिमिट आएगा मींस आपका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा मींस आप मैंने जो मेरा मेजरमेंट किया वो 2.5 आया आपने किया तो 4 आया तो ये क्या हुआ वैल्यू में बहुत सारा डिफरेंस आ गया चलो ये तो सिर्फ टेस्ट की बात है अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा रूम की मेजरमेंट करनी है चलो विद द हेल्प ऑफ फुट राइट आपकी जो फीट है इससे मेजरमेंट करनी है तो चलो मैं यहां से जो मेरा ये पूरा का पूरा वो चलो मैंने यहां से स्टार्ट किया चार्म किया तो मेरे जो फुट है वो कितने आएंगे मैं अगर मेजरमेंट करता हूं चलो सपोज मान लीजिए कि मेरे ये बोर्ड है पूरा का पूरा ये बोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस पूरे के पूरे बोर्ड की मैंने क्या किया फुट से मेजरमेंट की मींस मेरा जो फीट है उसको ऐसे यहाँ से चला 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 उसकी मैंने लेंथ मेजर की उसकी ब्रॉडनेस मैंने क्या की मेजर की तो अभी डेफिनेटली ये भी हो सकता है मेरा शायद 10 फुट आए 10 फीट आए और आप जब भी उसको इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने आओ यहाँ पे स्टेज पे तो आपका क्या आ सकता है आपका 15 आ सकते हैं या फिर 17 आ सकते हैं बिकॉज अभी अभी मैंने बताया मेरी एज आपसे ज्यादा है तो मेरे जो फीट भी होंगे वो ज्यादा होंगे बट आप तो अभी क्या आप छोटे छोटे बच्चे तो आपके जो पाव भी होंगे वो छोटे छोटे होंगे तो आप उसमें मेजरमेंट करेंगे तो आपका भी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा डिफरेंट आएगा चलो समझ आ रहा है सभी को यस वेरी नाइस तो आप अपने घर पे भी ट्राई करना ठीक है ये मैं आपको एक्टिविटी होम पे देता हूँ घर पे आपको ट्राई करनी है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको क्या करना है आपके घर में जो रूम है आपका जो रूम है उसकी आपको साइज मेजरमेंट करनी है
इन सबको उसकी लेंथ बतानी है। एक पोर्शन भी करेंगे तो चलेगा। आपका जो घर के चार दीवार होती है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, तो उसमें से भी कोई भी एक कोण का आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है, वो कितना फीट आता है वो आपको बताना है। तो पहले क्या करना है, पहले आपको करना है, पहले वो जो आपके फीट है उसको ऐसे ऐसे रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहना है, वो पूरे के पूरे जो बॉल है इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। फिर आप अपने पापा से कहिए, पापा जरा मेरी हेल्प करेंगे मुझे इस कंसेप्ट को समझने के लिए, और उसको बता रहे कि पापा आप यहाँ से लेके इस कोने तक मेजर करिए उसकी लेंथ विद द हेल्प ऑफ योर फीट। आप अपने फीट से ये एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो आपके पापा करेंगे, तो यू विल सी दैट और यू विल फाइंड आउट दैट कि जो रीडिंग आपका आया है, सपोज आपका रूम इतना बड़ा है, तो मान लीजिए आपके 30 फीट आते हैं, 30 फीट आपके आए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 30 फीट आपने उसकी लेंथ मेजर की, बट जैसे आपके पापा उसकी मेजर करेंगे तो वो आएगा ओनली 20 या फिर 18 फीट जैसा आएगा। तो ये क्या हुआ कि पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, राइट, ये जो चीज हुई वो पर्सन टू पर्सन क्या हुआ, वेरी हुआ, तो वो क्या हो गया, फिर हमारा वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट आएगा। आप अपने हिसाब से सही है, मैं अपने हिसाब से सही हूँ, आपके पापा आपके हिसाब से सही है, बट तीनों की वैल्यू में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, राइट, इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। नाउ जो दूसरी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की टेक्निक है उसको बोलते हैं क्यूबिट, क्यूबिट बोलते हैं। वो क्या है, पहले के जमाने में बहुत इजिप्ट में यूज हुआ करता था। क्यूबिट मींस क्या कि आपका जो ये हैंड है, राइट, ये आपका हैंड है और यहां से एल्बो तक का डिस्टेंस, मींस आई विल शो यू, लुक एट दिस, माय दिस फिंगर, ये मेरी जो फिंगर है इसको देखिए, मैंने यहां पे ऐसे रखा, लाइक दिस, मेरे यहां पे एल्बो है, लुक एट दिस, तो यहां पे जो आपका एल्बो है, एल्बो से देखिए यहां तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, क्यूबिट बोलते हैं, राइट, आई विल शो यू वंस अगेन, ये देखिए मेरा जो एल्बो है, यहां पे एल्बो से देखिए यहां तक का डिस्टेंस, तो ये मेरे एल्बो रखा यहां पे और फिर मैंने इसे हैंड को ऐसे रखा, तो ये जो मेरा हैंड है उसकी अगली फिंगर तक ये एल्बो तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, क्यूबिट बोलेंगे, राइट, इसको बोलेंगे हम क्यूबिट, राइट, ये रहा आपका एल्बो, राइट, ये आपका एल्बो हो गया यहां पे और ये आपकी फिंगर हो गई, राइट, ये आपकी फिंगर हो गई, उसको यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे क्यूबिट बोलेंगे, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिट बोलेंगे। लुक एट दिस, ये आपके एल्बो से लेके आपके अपने हैंड तक फिंगर तक का डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिट बोलेंगे। तो क्यूबिट में भी ऑब्वियसली वेरी करेगा, राइट, मेरा हाथ बहुत ही लंबा होता है, राइट, यू कैन सी मेरा हाथ बहुत ही लंबा है, मेरे जो ये मैं डेस्क को मेजर करूंगा, राइट, मैं यहां पे पुट करके तो जो मेरा मेजरमेंट है वो क्या आएगा, कम आएगा, मींस मेरे में एक हैंड एक क्यूबिट इसकी शायद मान लो एक क्यूबिट उसका क्या आया, उसका वाइडनेस है, उसकी ब्रेथ है, अगर आप करोगे तो क्या आएगा, आपकी जो मेजरमेंट होगी वन एंड हाफ आएगी, राइट, आप जब भी उसको अपने हैंड को यहाँ पुट करोगे और एल्बो को यहाँ रखेंगे तो आपका क्या आएगा, वन एंड हाफ आएगा। तो ये भी क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन वेरी हुआ। फिर आप शायद किसी भी साड़ी वाले के शॉप में गए हो या फिर अपने मम्मी के साथ कपड़े लेने गए हो, तो आपको देखा होगा आपने कि जो आप जो शॉपकीपर है, जो जो बेचता है कपड़े बेचता है, वो किसी भी क्लॉथ का मेजरमेंट कैसे करता है, यहाँ से लेके वो ऐसे अपने हाथ करता है और यहाँ से लेके ये एक साड़ी का एंड पकड़ता है या फिर एक क्लॉथ का एंड पकड़ता है, उसके ऐसे जो लंबा था वो यहाँ पे ये देखिए यहाँ से नेक तक का वो करता है, राइट, आपने आई थिंक सो देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यार, राइट, उसको बोलते हैं वन यार, राइट, तो वो भी पर्सन टू पर्सन वाइज वेरी होता है, उसको बोलते हैं वन यार, यहाँ से लेके यहाँ तक का करीबन 1 मीटर तक का होता है, 1 यार = 1 मीटर तक का। देन तो ये जो सारी चीजें मैंने बताया कि हमने देखा क्यूबिक देखा, फिर फुट स्टेप देखा, मींस आपके फीट से मेजरमेंट करने का वे देखा, फिर हमने हैंड स्पैन देखा, राइट, और क्यूबिक जैसे कि मैंने बताया, फिर
याक देखा, तो ये जो सारी चीजें गिली डंडा देखा, फिर स्पिन को भी आप ले सकते, ये जो सारी चीजें हमने देखी वो क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वाइज वेरी होती है। मेरा कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन वाइज चेंज हो गया हो जाएगा, तो वो हम मेजरमेंट में रह नहीं सकते। वर्ल्ड अगर हमें किसी भी चीज को मेजर करना हो तो हम उसको मेजर कर सकते नहीं, ठीक हो। तो ये सारी चीज उसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, आपका भी कुछ अलग आएगा, मेरा भी कुछ अलग आएगा, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो हम आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वेरी क्लियरली एंड यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर वेरी मच। So, tab tak ke liye, bye bye everyone and have a nice day and thank you for watching this video. आभार।